सुनाई दे रहा है वहां में? सुनाई दे रहा है? यहां में आज मैं आया हूं ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर को खोलने के लिए। एक मिनट सब लोग, हम लोग का दोफा में प्रॉब्लम क्या है जानता है? जानता है क्या प्रॉब्लम है? आज आपने आप थोड़ा सा नोटिस करो, बुबागरा यहां आया, वो पंखा लगाने का चक्कर में वीआईपी के लिए साउंड सिस्टम खराब हो गया, हाँ कि नहीं? मतलब वीआईपी को पंखा लगाओ, तीपरा सा गर्मी में बैठते रहेगा, नो प्रॉब्लम। वीआईपी को पंखा लगना चाहिए, इसको बोलता है चापलूसी, मक्खन मारना, हाँ कि नहीं? क्यों? जब तिपरासा गर्मी में है तो बुबागरा भी क्या आधा घंटा धूप में नहीं बैठ सकता क्या? ये फूल देना सबको, रिशा दिया, ठीक है रिशा दिया, ठीक है, हम लोग का कल्चर है, आइडेंटिटी है, नो प्रॉब्लम। फूल देना इतना नॉट रिक्वायर्ड। यहां मैं क्यों आया है? ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर को खोलने के लिए। काम होना चाहिए बाहर में नहीं। आप लोग बुबागरा को खुश मत करो, बुबागरा आपको पहले से बहुत प्यार करता है, कोई फूल देने से रिसा देने से कुछ नहीं होगा। आप अपना काम करो, जाति के लिए काम करो, दोफा के लिए काम करो, और यहां में एक अच्छा सा ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर निकालो। हम लोगों का तिपरासा जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका ड्रग्स का यहां में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि नहीं? और बुबागरा आपको बोल रहा है यहां में आप एक अच्छा सा ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू करो। लेकिन जो असली प्रॉब्लम है हम लोगों का दोफा में वो है कि पुलिस सिर्फ ड्रग एडिक्ट को पकड़ेगा। यहां में हमारे पुलिस के लोग भी आ गए हैं, जवान लोग भी आ गए हैं। हमेशा हम लोग ड्रग एडिक्ट को पकड़ेंगे, छोटा सा स्मगलर को पकड़ेंगे, लेकिन बड़ा जो ड्रग्स का बिजनेस करता है त्रिपुरा में उसको कोई नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उनका आशीर्वाद ऊपर से राजनीति से नेता का है। इसके लिए हम लोग हमेशा छोटा छोटा मच्छी को पकड़ता है, बड़ा मच्छी को कोई नहीं पकड़ता। लेकिन बुबागरा को ना उन ड्रग स्मगलर का पैसा चाहिए, ना उनका मदद चाहिए। हम आपको बोल रहे हैं अगर त्रिपुरा में ड्रग्स को बंद कर, ये कॉन्ट्रैक्टर से आता है, यहां में रास्ता नहीं है बाहर में, कच्चा रास्ता है। लेकिन गवर्नमेंट में लिख दिया है कि 3 करोड़ रुपया दे दिया रास्ता बनाने के लिए राजचंद ताईपारा में। ये कॉन्ट्रैक्टर कौन है? जो सीपीएम का टाइम था वही इसका पहले कांग्रेस का टाइम में था, आज बीजेपी आया बीजेपी का संग, कल मोथा आएगा मोथा का संग जाएगा। तो इसके लिए यहां में आप लोग भी हैं, सीनियर लीडर लोग, अगर आपको तिपरासा के लिए काम करना है ना तो ये सबको सोच के दिल से निकालो। पार्टी बदलने से आदमी लोग नहीं बदलता है, वो झंडा आज दूसरा झंडा लगा दिया नहीं बदलता, सोच को बदली करो। आज थानसा चाहिए, आज तिपरासा का उन्नति चाहिए, कैसे होगा? आज बुबागरा आपके लिए क्यों फाइट कर रहा है?
क्योंकि हम चाहता है कि एक हमारा कर्तव्य था, ड्यूटी था, महाराजा वीर विक्रम का नाती, किरीट विक्रम का बेटा का एक ड्यूटी था, एक कर्तव्य था कि तिपरासा के लिए कुछ करे। लेकिन आप लोग भी समझो, ये कॉन्ट्रैक्टर, यहां में ड्रग्स का स्मगलर, मंत्री लोग, एमएलए लोग प्रोटेक्शन देता है, उसको बाहर निकाल के हम लोग ड्रग स्मगलर को बंद करें। ये मेरा काम है, आपका सपोर्ट चाहिए, और आपका काम है कि अपने सोसाइटी में ड्रग्स को रिजेक्ट करें। मैं पुलिस को भी ब्लेम नहीं करता हूं, क्योंकि जब भी पुलिस किसी को पकड़ता है, एमएलए का फोन आता है, मंत्री का फोन आता है, ए अमर मानुष अच्छे उनर जिते दाओ, दुर्गा रांखोल रोकने का कोशिश किया, गाड़ी मार दिया, ऐसा ही था दुर्गा रांखोल। तो पुलिस भी क्या करे जब नेता लोग ही भ्रष्ट है, करप्ट है, क्योंकि वो जो ड्रग्स का पैसा है ना, वो नेता का पॉकेट में भी जाता है। इसके लिए आप लोग जो न्यू जनरेशन है यहां, पैसा कमाना है बहुत तरीके से कमाओ, लेकिन अपना भविष्य को, अपना नेक्स्ट जनरेशन को बिगाड़ के आप पैसा कमाएगा ना, ऊपर से भगवान भी आपको पाप मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? हाँ, बुबाग्रा पॉलिटिशियन जैसा बात नहीं करता, करता है क्या पॉलिटिशियन जैसा बात? नहीं, दिल से बात करता है। और हम आपको बोल रहे हैं कि ये ड्रग्स का फाइट में सबसे पहले बुरुई बुमा को रखो, क्योंकि बुरुई बुमा ये कोई ड्रग्स लिया पकड़ के डंडा मार के यहां में घुसो, डंडा मार के यहां में घुसो, क्योंकि ये ड्रग्स, जो ड्रग एडिक्ट है, आज ड्रग्स के लिए वो नशा करेगा, कल नशा के बाद पैसा नहीं होगा, चोरी करेगा, अगर बाहर से नहीं कर सका तो अपना घर में चोरी करेगा, और अगर चोरी नहीं किया तो कहीं में ट्रबल करेगा। इनको प्यार से समझाओ, यहां में लाओ। आप लोगों का काम है, काउंसलर्स है आपके पास, काउंसलर्स, मेडिसिन, डॉक्टर्स, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ कि उनको नहीं लगे कि ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है ये जेल खाना है। ये जेल खाना नहीं, ये एक मंदिर है, ये एक चर्च है, यहां में आदमी लोगों को अच्छा बनना है, यहां में आदमी लोगों को सिखा नहीं सकता, प्यार से समझाना। ठीक बोला? ठीक कौन सा? I love all of you all. हम यहां में आया, थैंक यू रुनिल, थैंक यू डिवाइन वेलफेयर सोसाइटी, आपने निमंत्रण दिया। मैं सच बात बोलूं, कल 1 लाख आदमी के सामने बात किया, आज यहां में थोड़ा लोग है आपके सामने बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूं, आई लव यू। मैं दिल से प्यार करता हूं, कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ अपना आपको स्ट्रांग करो। और ये जो नफरत का पॉलिटिक्स है ना, तिपरासा वंसा, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, वो सबको बंद करो। हम लोग का प्रॉब्लम कोई बंगाली नहीं है, हम लोगों का प्रॉब्लम कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नहीं है, हम लोग का प्रॉब्लम हम लोग खुद का नेता है, जिसने आपको गरीब रखा और खुद अमीर बन गया, जिसने आपको बेचा, आपका वोट लेकर लोग नेता बना, लेकिन आज आप ही को भूल गया। ऐसा सिस्टम को बदलने के लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आप सबको स्ट्रांग होना पड़ेगा, और तभी बुबाग्रा आपके लिए कुछ कर सकता है। बेलाई बेलाई नो हम बाय, आई लव ऑल ऑफ यू ऑल, दिल से प्यार करता हूं। आई लव यू एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू द डिवाइन केयर वेलफेयर सोसाइटी, आपको सबको बेस्ट ऑफ बेस्ट बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू। तिपरासा दोफा आई क्लॉकथॉन्ग, तिपरा मोथा आई क्लॉकथॉन्ग। हम बंद करना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर जो त्रिपुरा में है, जो लोग राजनीति में हैं,
उनको पहले अरेस्ट करके लॉकअप में डालो, वरना एनकाउंटर करो इन लोगों को। हम लोग हमेशा गलत लोगों के पीछे जाता है। वो साउंड सिस्टम का दरकार नहीं है, ये सब आप लोग पैसा बर्बाद कर रहे हैं। यही पैसा से हम लोग अति प्रसाद को कुछ चाय दे दो और अच्छा होगा ना, थोड़ा बांगू देने से भी ज्यादा अच्छा होता साउंड सिस्टम। कितना बार आप वीआईपी का भाषण सुनेगा, कितना बार आप लोग यहां में, ये मांडा है ना, मांडा एरिया राजचंताई में, कितना बार आप लोग वीआईपी को बुलाएगा, एमएलए को बुलाएगा, वही भाषण देगा। आज कोई एमएलए है, पांच साल बाद कोई और एमएलए होगा। आपको सिस्टम को चेंज करना है, और सिस्टम तभी चेंज होगा जब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचे। अगर यहां में ड्रग्स को खत्म करना है तो सबसे बड़ा रोल हमारा सोसाइटी में, दोफा में, बुरुई का है, बुमा का है। ड्रग्स सीरियस प्रॉब्लम है त्रिपुरा में, और हमने ये आज इसका इनॉग्रेशन किया है। अच्छा सेटअप है, लेकिन और भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर हमको ड्रग्स को खत्म करना है त्रिपुरा में, तो हम लोग सिर्फ ड्रग एडिक्ट्स के पीछे जाते हैं, हम लोग सिर्फ स्मॉल टाइम ड्रग्स स्मगलर्स को पकड़ते हैं। जो असली ड्रग्स स्मगलर है, जिसके पास पुलिस का पुलिस उसको पकड़ता नहीं क्योंकि उनके पास नेता का प्रोटेक्शन है, उनको पकड़ना पड़ेगा। जब तक हम बड़े मछली को नहीं पकड़ेंगे तब तक ये केसेस निकलते रहेंगे। अगर हमको ड्रग्स को त्रिपुरा से खत्म करना है, नशा मुक्त करना है, तो सबसे पहले जो स्मगलर जिसके पास पॉलिटिशियन का आशीर्वाद है उसको पकड़ना पड़ेगा, और वो पॉलिटिशियन को भी पकड़ना पड़ेगा। उसी के बाद त्रिपुरा नशा मुक्त होगा।